उषा किरण केंद्रों का क्या कार्य है? सही उत्तर है महिलाओं के लिए वन स्टॉप संकट केंद्र के रूप में कार्य करना। प्रथम उषा किरण केंद्रों का उद्घाटन किसने किया है? सही उत्तर है आमिर खान। सर्वोच्च न्यायालय के किस फैसले में महिला की वरिष्ठता एवं पदोन्नति संबंधी नियमों को चुनौती दी गई थी? सही उत्तर है मिस सीबी मुथुमा बनाम भारत संघ। यदि कोई सौंदर्य प्रतियोगिता किसी महिला का अशोभनीय ढंग से अपमानजनक ढंग से प्रतिनिधित्व करती है तो कौन सा प्रावधान है संविधान का उल्लंघन हो रहा है? सही उत्तर है भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 51। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार महिलाएं आय का 10वां हिस्सा अर्जित करने के लिए कितने कार्य घंटों का योगदान देती है? सही उत्तर है 2/3 काम के घंटे। संविधान के किस प्रस्तावना प्रावधान के तहत महिला को समानता का मौलिक अधिकार प्राप्त है? सही उत्तर है समानता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 14 और 15। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 497 में क्या प्रावधान है? सही उत्तर है ये केवल पुरुष समक्ष को दंड करता है और महिला को व्यभिचार के मामले में सजा से छूट देता है। उत्पादक विकल्प चुनने का महिला का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संरक्षित है? सही उत्तर है संविधान का अनुच्छेद 21। एमपी में शौर्य दल योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सही उत्तर है 2014। शौर्य दल योजना का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर है लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षित आवाजाही के लिए एक समक्ष वातावरण बनाना। मंगल दिवस योजना के अंतर्गत कौन सा सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है? सही उत्तर है मंगलवार।
मंगल दिवस योजना का उद्देश्य है सही उत्तर है किशोरियों को संतुलित आहार उपलब्ध कराना। एससी के किस फैसले में यह कहा गया था कि किसी महिला को केवल इसलिए नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा क्योंकि वो एक महिला है। सही उत्तर है शायरा बानो बनाम भारत संघ। महिला होने के कारण महिला को नौकरी से वंचित करना संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? सही उत्तर है अनुच्छेद 14। किस मामले में कोर्ट ने आनर किलिंग को अवैध घोषित किया था? सही उत्तर है लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006। भगवान दास बनाम राज्य एन सिटी दिल्ली मामले में ऑनर किलिंग के मामले में एससी द्वारा कौन सी सजा दी जा रही थी? सही उत्तर है फांसी।